महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए रीवा के मऊगंज में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया, जिसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने महिलाओं से संबंधित कानूनी अधिकार बताए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिलाओं के विधिक अधिकार और शिक्षा के संबंध में मऊगंज में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार ने महिलाओं को कानूनी अधिकारों और उनकी शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। वहीं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार नामदेव ने कहा कि नारीवादी लेखिका सिमोन द बोवार का एक बेहद प्रसिद्ध कथन है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। परिवार और समाज के द्वारा ही एक बच्चे में स्त्री होने के गुण भरे जाते हैं। उन्होंने कहा, आज महिलाओं को उनके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विधिक साक्षरता शिविर केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक सोच है जिसके माध्यम से हर उस नारी को जागरूक करना है जो अभी भी बंधनों से बंधी हुई है। उन्होंने महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं को शर्मनाक बताया। इस मौके पर अधिवक्ता सीमा मिश्रा ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। इसके साथ ही महिलाओं को कानून क्या सहूलियत देता है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो उस प्रशंसा के पीछे आपको बैकग्राउंड भी बताना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा कि आपकी प्रशंसा में ईमानदारी। तो एक दिन मैंने इनको बुलाया, परसों की बात थी, तो मैंने कहा मैडम आप आई, क्योंकि मैं अभी पूरा कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं है कि मेरे जो रिसोर्स पर्सन है, ये पूरी जो प्रोग्राम हो रहा है जिसमें इतनी संजीदगी से और जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं उसको हमने केंद्रित करके ही हम आपको निर्देश मिले हैं, तो आप प्लीज आइए और एक बार हम मिलकर थोड़ी सा ब्लू प्रिंट तैयार कर लेते हैं मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए। बाकी ये तो जिस दिन से मिले मिली है पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं, सर आप चिंता ना करो, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगा। तो परसों में आना था, इन्होंने 4 बजे का प्रस्ताव रखा, मैंने कहा मेरा न्यायालय समय रहेगा, मैं बहुत बिजी रहूंगा, तो 5 बजे तक प्लीज बात कर रखते हैं। तो 5 बजे हमने टेंटेटिव फिक्स करा, मैं भूल गया 5 बजे, 5:30 पौने 6 बजे बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई और मैं भूल गया इनको। तो इनका एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ पर बारिश इतनी है कि मैं चल के अंदर नहीं आ सकती। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने व्हाट्सएप नहीं लिखा क्योंकि मैं वहाँ डायस पे ही बैठा हूँ। फिर इनका थोड़ी देर बाद फोन आया कि सर मैं बाहर ही हूँ और इतना टाइम हो गया, आप जैसा कहें तो हम करते हैं। तो मैंने ठीक है मैडम, कल अगर बारिश हो रही है तो अगर आप नहीं आ सकते तो हम सुबह मिल लेंगे। तो फॉर्चुनेटली फिर कोई एक अमरेला वाला हमारा एक एम्प्लॉय था, तो उनकी सहायता लेके फिर अंदर आ गए। तो हमें इतनी कन्विक्शन मैंने मऊगंज में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं दी। तो थैंक यू मैडम आपको। बाकी अभी इतना उद्बोधन हुआ है, इतना इंफॉर्मेटिव उद्बोधन हुआ है, इतना क्वालिटेटिव उद्बोधन हुआ है और मेरे लिए कुछ भी इसमें शेष नहीं रहा, लेकिन मैं एक मंत्र जरूर आज लिख के लाया हूँ और ये मंत्र ऐसा मंत्र है जो मुझे भी एनलाइटन करता है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम महिलाओं के कानूनी अधिकार, उनके विकास एवं उन्नति के संबंध में हमने कार्यक्रम आयोजित किया। कई बार मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक सतत विचारधारा है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो सदियों से क्रमशः चलती आ रही है, बढ़ती आ रही है। इस संबंध में 20वीं शताब्दी की प्रसिद्ध नारीवादी फ्रांसीसी लेखिका श्रीमती सिमोन द बोवार ने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती। उसका रीजन था कि अगर कोई स्त्री है वह योग्य है, वो कार्यक्षम है, तो उसको एक समाज के सांचे में ढाल दिया जाता है, उसको अपने रूप बना दिया जाता है, जिससे उसकी खुद की प्रतिभा कहीं ना कहीं कुंठित हो जाए। मुझे ऐसा लगता है पुरुष या स्त्री होने से पहले कोई भी व्यक्ति एक इंसान है, राष्ट्र का नागरिक है। कोई भी एक राष्ट्र एक रथ के समान होता है जिसमें एक पहिया पुरुष और एक पहिया स्त्री का होता है। समाज में लगभग 50% भागीदारी स्त्रियों की होती है। अगर एक पहिया शिक्षित है दूसरा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र का विकास हो सकता है। इस संबंध में हमारे भारत में, हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, राज्य नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यह बताया गया है कि स्त्रियों को समानता का अधिकार है। उन्हें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिकार किया गया है। ऐसी प्रथाओं के त्याग करने के संबंध में बातें कही गई है, कथन किया गया है जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ है, जैसे सती प्रथा,
पर्दा प्रथा, मुझे ऐसा लगता है कि ये देश दुर्गा का देश है। मुझे नहीं लगता कि स्त्रियों को यहाँ पर्दा प्रथा या पर्दा नशीन होने की आवश्यकता है। हम माता गार्गी, माता सीता और बड़ी बड़ी हस्तियों को पूछते हैं तो फिर ऐसा क्या है कि आज हम स्त्रियों के प्रति समाज में ऐसी भावना है? इसके लिए आवश्यकता है कि हम समाज के ग्रासरूट लेवल पर जाएं, अंतिम व्यक्ति तक हम जाएं, उसे महिलाओं के सम्मान, उनकी गरिमा, उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा के संबंध में जागरूक करें। आप लोग भली भांति अवगत हैं, जैसे कुछ लोग हैं हमारे यहाँ महिला आती भी हैं, फिर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए 125 का हर एक पत्नी का यह अधिकार है कि वो अपने पति से, यदि वह उसके साथ नहीं रह रहा है तो वो उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है। न केवल वह बल्कि उसके सारे बच्चे जो कि अडल्ट नहीं हुए हैं तो आप उनके लिए भी मांग कर सकते हैं। फिर घरेलू हिंसा में सिर्फ महिला नहीं आती शादीशुदा, बल्कि वो महिलाएं भी आती हैं जो कि अपने माता पिता के साथ रह रही हैं या किसी भी रिलेटिव के साथ रह रही हैं। अगर उनके साथ में कोई हिंसा होती है तो भी आप उसके उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। ना केवल वह पीड़िता महिला बल्कि जो भी व्यक्ति इस बात से अवगत होता है कि ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है तो आप लोग आके उसके संबंध में भी आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।